नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप तंत्र मंत्र सीख रहे हैं या कोई सिद्धियां साधना करना चाहते हैं, तो मित्रों आपको पता है किसी भी साधना को करने से पहले हमें अपने शरीर की सुरक्षा करना अति आवश्यक है, और इसके लिए हमें एक देह रक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है। अगर हम बिना सुरक्षा किए किसी भी साधना को करने बैठ जाएं, तो मित्रों वहां पर हमारे जान के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई सुरक्षा नहीं होगी और हम जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको बुलाना चाहते हैं, वो शक्ति आकर के हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकती है। अगर वो न करे तो वहां पर आसपास में रहने वाली शक्तियां हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती हैं। इसलिए हमेशा किसी भी साधना को करने से पहले हमें अपने शरीर की सुरक्षा करना अति आवश्यक है और करना चाहिए। मित्रों, वैसे तो देह रक्षा मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको स्वयं सिद्ध एक सामर मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि भगवान गुरु गोरखनाथ का मंत्र है, और उसके मात्र 11 बार जाप करने पर आपकी सुरक्षा हो जाती है, और उसके बाद में आप चाहे कोई सी भी साधना स्टार्ट कर दो, आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने वाली, कोई भी शक्ति आपको चोट नहीं पहुंचाएगी, और आप जिस कार्य में अपना मन लगा रहे हैं, जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं, उसमें आपको तत्काल ही सफलता मिल जाएगी। तो मित्रों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से एक आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में एक हथियार रखता है, उसी प्रकार से इस तंत्र मंत्र को सीखने वाला साधक अपने पास एक देह रक्षा मंत्र जरूर रखता है, क्योंकि वो देह रक्षा मंत्र उसी हथियार के समान काम करता है। जिस व्यक्ति के पास में ये देह रक्षा मंत्र होता है, वो साधक कहीं भी कोई भी साधना करने बैठ जाए तो उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आती है, वो देह रक्षा मंत्र उसकी रक्षा करता है। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई देह रक्षा मंत्र है तो आप उसका प्रयोग जरूर करें और अपनी सुरक्षा करें। अगर आपके पास में कोई देह रक्षा मंत्र नहीं है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा पावरफुल देह रक्षा मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसको आप नोट कर लें और इस मंत्र को मात्र 122 बार जाप करके सिद्ध कर लें। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, सावर मंत्र है, लेकिन मित्रों इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले एक बार जगाना आवश्यक होता है। तो आप रुद्राक्ष की माला से 122 बार जाप करके इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं और इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसको सिद्ध करने का तरीका है मित्रों, आप किसी भी अमावस्या के दिन रात्रि के 12 बजे आप एक जलता हुआ देसी घी का दीपक अपने पास रख लें, खुले आसमान के नीचे, और आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का मात्र 122 बार जाप करें, तो मित्रों ये मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। मंत्र को आप नोट कर लें, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का आदिनाथ ओम स्वरूप घट में बैठे गोरखनाथ सर्वशक्ति एक ही साथ बाघ बिजली सर्प चोर चारों बांधो एक ही ठोर 72 वीर रक्षा करें गुरु मच्छेंद्र की आन शब्द सांचा पिंड कांचा मेरे गुरु का शब्द सांचा। दिखाओ गुरु गोरखनाथ इस मंत्र का तमाशा। मित्रों, इस मंत्र का मात्र अमावस्या की रात्रि को 12 बजे 122 बार जाप करके इसे सिद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद में जब आप कोई भी साधना करने बैठेंगे तो मात्र 11 बार जाप करके और अपने बीच वाली उंगली से या किसी लकड़ी की मदद से अपने आसपास गोल घेरा खींच लें और इस मंत्र को पढ़ते जाएं। तो मित्रों, आपके शरीर की सुरक्षा स्वयं हो जाएगी और आपके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। ये बहुत ही पावरफुल और चमत्कारी देह रक्षा मंत्र है, ये भगवान गुरु गोरखनाथ का मंत्र है। मित्रों, इस मंत्र से आपके ऊपर कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। अगर आप किसी भी संकट में फंस गए हैं, उस समय भी
मित्रों, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा। तो मित्रों, इस देह रक्षा मंत्र को एक बार सिद्ध करके और इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।